Hey, what's up and welcome back to another video guys. And guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विजय मेहर जो अपने एक एक बाल की कटिंग कर लेता है वो किस तरह से कर लेता है. गाइज वैसे तो बेसिकली वो फोटोशॉप यूज़ करता है, आप सभी को मालूम होगा, बट यहाँ पर हर किसी के पास फोटोशॉप नहीं होता एंड वो चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है. इसलिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में आप उस तरह की कटिंग कर पाएंगे, आप अपने एक एक हेयर को कट कर पाएंगे एंड बहुत ही अच्छी तरह से आप कटिंग कर पाएंगे अपने फ़ोटो की. एंड मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर से बने रहिए. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. एंड अगर आप चाहें तो मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. एंड गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड मुझको फॉलो जरूर से कर लीजिएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट. सो गाइज आपको सबसे पहले एक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है एंड गाइज उस ऐप का नाम है PS Touch. इस ऐप पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एंड गाइस इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा. आपको अपने फ़ोन को रोटेट कर लेना है एंड रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको ये प्लस का आइकन दिखेगा. इस प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद मैं आपको एक फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ. एंड गाइस उसके साथ साथ मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहूँगा. गाइज़ अगर आप फ़ोटो शूट कराते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फ़ोटो शूट आपको सबसे ऊपर वाली छत पे कराना है, जहाँ पर हमारे जो हेयर्स के पीछे एंड हमारे पूरे बैकग्राउंड में अगर आसमान आता है जो कि सिंगल कलर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है. तो यहाँ पर ये फ़ोटो कुछ इसी तरह का है. एंड गाइज अगर आप छत पे फ़ोटो क्लिक नहीं करा पाते, अगर वहाँ पर अच्छी तरह से आसमान आपके बैकग्राउंड में नहीं आ पाता, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक वाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए घर से. अगर नहीं है तो एक कपड़ा बाय कर लीजिए, बाज़ार से बहुत ही सस्ता सा मिल जाएगा आपको. एंड उस कपड़े को कोई भी वॉल पर टांगने के बाद आप फ़ोटो को शूट करेंगे तो आपका फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा बेटर क्लिक होगा. एंड क्लिक होने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने बैकग्राउंड को निकाल पाएंगे एंड आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा बैकग्राउंड निकालने में. तो गाइज यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो वाइट है. तो इस एप्लीकेशन में हम किस तरह से हेयर को कट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको साइड में ये ऑप्शन दिख रहे होंगे कीप एंड रिमूव. तो सबसे पहले कीप वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं. तो कीप वाले ऑप्शन में जो हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले मॉडल पर ड्रॉ करना होता है, किसी भी तरह से आप ड्रॉ करना. कीप का मतलब होता है जो आपको अपने बैकग्राउंड मतलब जिस मॉडल को आपको निकालना है उस मॉडल को आपको रखना है, तो उस पर आपको ड्रॉ कर देना है जो चीज़ आपको निकालनी है. तो मैं यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ जहाँ जो भी पार्ट मुझको चाहिए उन पार्ट्स पर मैं इस ब्रश को चला दूँगा. उसके बाद अब आती है बारी रिमूव की. तो कीप के नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव का, उस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद हमको जो बैकग्राउंड रिमूव करना है वहाँ पर सिंपली से हम चला देंगे. तो जैसे ही हम चला देंगे तो कुछ लोडिंग होगी एंड लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं एक ही बार में हमारी कटिंग ने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया. एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर एक्स्ट्रा रह जाती है तो उसको कीप कर दीजिए एंड उसके बाद वो परफेक्टली आपका वापस से सिलेक्ट कर लेगी. तो अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा मॉडल जो है उसने सेलेक्ट कर लिया, बट इधर साइड रह गई है जो हमारा एल्बो वाला पार्ट है, इसमें एक बार बस आपको रिमूव करना है. रिमूव यहाँ पर आपको रिमूव वाला ऑप्शन चला देना है एंड उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो एल्बो वाला पार्ट था वो भी सारा रिमूव हो चुका है. इसके बाद गाइस अब आपको इसके हेयर्स को परफेक्टली निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे तो आप देख लीजिए. तो गाइस आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला जो सेटिंग्स बनी हुई है उस ऑप्शन में आपको जाना है एंड इस ऑप्शन के सबसे नीचे हमको मिलता है रिफाइन एज.
जो कि फ़ोटोशॉप में होता है अवेलेबल। जिस चीज़ से विजय महल निकालते हैं ना, वो रिफाइन एज ही होता है ऑप्शन, जो कि फ़ोटोशॉप में अवेलेबल होता है। तो वही ऑप्शन यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो इस ऑप्शन में आपको क्या करना पड़ता है, ये साइज़ वाला ऑप्शन होता है, इस गोले पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे एंड वापस से अगेन टैप करेंगे। एंड टैप करने के बाद इस इमेज को जूम करेंगे जहाँ पर हमारे हेयर्स वाला पार्ट है, एंड उस पार्ट में बस आपको इस ब्रश को चलाना है कुछ इस तरह से। गाइज आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, तो इस तरह से हमको इस ब्रश को चलाना है। एंड चलाने के बाद लोडिंग होगी एंड पहली ही बार में आपका एक एक हेयर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जहां पर हमारे हेयर को आपको चाहिए वहां वहां आपको बस इस ब्रश को चलाना है, एंड उसके बाद आपके हेयर सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एंड जितनी बार आप चलाएंगे उतनी परफेक्टली आपके हेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम जितनी बार चला रहे हैं अपने इस ब्रश को, उतनी बार हमारा अच्छे से हेयर सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये हमारे सारे हेयर्स सेलेक्ट हो चुके हैं, अब हम राइट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग होगी, एंड लोडिंग होने के बाद अब हमको इसको सेव करना है, वो भी PNG में। तो सबसे पहले ऊपर एक पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एंड सबसे नीचे से एक ऊपर वाला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट, इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हमको इसको अपनी गैलरी में सेव करना है, तो बैक पर क्लिक करेंगे। बैक पर आप जैसे ही टैप करेंगे वैसे ही आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेव कर देंगे। बट ये अभी गैलरी में सेव नहीं हुआ, ये बाहर होम पर सेव हो जाता है। तो अब इसको हमको अपने डायरेक्ट अपनी गैलरी में लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमको ऊपर मिलता है शेयर वाला ऑप्शन जो कि एरो बना हुआ है, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेव टू गैलरी ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो आपने जो इमेज अभी रेडी किया हुआ है उस इमेज पर आप टैप करेंगे एक बार, एंड उसके बाद यहाँ पर जो JPG लिखा हुआ है उस पर टैप करेंगे। उसमें से JPG में से आपको PNG को सेलेक्ट कर लेना है, एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। एंड आप जैसे ही ओके करेंगे एक लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपका ये इमेज गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मैं आपको इसको लगाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम चलते हैं अपने PicsArt में, एंड PicsArt में जाने के बाद ये ओपन होगा, एंड मैं ले लेता हूँ कोई एक बैकग्राउंड जो कि हम PicsArt में से एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो ये मैं प्लस के आइकन पर गया, एंड प्लस के आइकन पर जाने के बाद गाइज मैं ऑल फ़ोटोज़ में जाऊँगा, एंड ऑल फ़ोटोज़ में जाने के बाद मैं कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ आपको प्रैक्टिकल के लिए दिखाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर हम डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड इसके अंदर जाने के बाद मैं एक बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस वाले बैकग्राउंड को, एंड ये वाला बैकग्राउंड लेने के बाद ये अब ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब हम जाएंगे ऐड फ़ोटो में, एंड ऐड फ़ोटो में जो हमने अभी सेव किया था उस इमेज को लेंगे एंड ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब गाइस आप देखिए हमारा फ़ोटो एकदम HD में कटिंग हुआ, उसके साथ साथ हमारे जो एक एक हेयर का पार्ट था वो सारा एक एक हेयर का पार्ट हमारा रिमूव हो गया। एंड हमारे जो आप लोग मुझसे पूछते थे कि परफेक्ट बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि परफेक्ट बैकग्राउंड चेंज, एंड ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए कि बैकग्राउंड में एक सिंपल कलर हो जो कि वाइट कलर होना चाहिए, या तो आप पर्दा टांग सकते हैं पीछे, या फिर मैंने जो टिप्स दी थी आप अपने सबसे ऊपर वाली छत पर फ़ोटो को क्लिक कराइए जहाँ पर वाइट आसमान आपके बैकग्राउंड में आ ही जाता है। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड नीचे कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ की मुझसे ज़रूरत हो, जो मुझसे आप पूछना चाहते हो, वो मुझको ज़रूर से बताइए। तो मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।